हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है संजीत सिंह, ज्यादा दिन हो गया, कम से कम एक महीना हो गया, उन्होंने कमेंट में पूछा है, लेकिन मैं कुछ कामों के वजह से उनका रिप्लाई दे नहीं सका, तो सोचा आज समय मिला है, आज रिप्लाई देते हैं। कुछ कामों के वजह से बोले तो उनका जो मैं वीडियो में आप लोगों को बात बताने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने कमेंट किया है संजीत सिंह, इन्होंने कमेंट किया था एक महीना हो गया, लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा देर हो गया, उसका कुछ कारण है, वो कारण आपको वीडियो में ही मिलेगा। तो दोस्तों, उन्होंने कमेंट में कहा है, सर जी किस कंपनी का इंजन ऑयल, जैसे बाइक में इंजन ऑयल हम लोग डालते हैं कोई भी व्हीकल, तो किस कंपनी का इंजन ऑयल बेस्ट है ये नंबर से बता, यानी ये कंपनी का इंजन ऑयल 1 नंबर है, ये कंपनी का इंजन ऑयल 2 नंबर है, ये कंपनी का इंजन ऑयल 3 नंबर है, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो दोस्तों, क्या बात होता है, जैसे मैं तो कह सकता हूँ, लेकिन वीडियो में मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन से कंपनी का इंजन ऑयल 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, क्यों? क्योंकि हरासमेंट वाला बात होगा। जैसे कि अपना चैनल होता है मोनेटाइज चैनल है, मोनेटाइज हम लोग हरासमेंट वाला बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो कम्युनिटी गाइडलाइन होता है यूट्यूब का, उसके अंडर हमें काम करना पड़ता है, तो हमें कहने का अधिकार नहीं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, कंपनी बनाती है कोई भी ऑयल बनाते हैं, तो मैं कह नहीं सकता, मुझे चाहे तो मैं कोई भी कंपनी का मैं डाल सकता, लेकिन किसी को हरासमेंट यानी मतलब कंपनी का नाम नहीं ले सकता कि इसका एक नंबर है, 2 नंबर, 3 है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ, ये बात है, वो कम्युनिटी गाइडलाइन के अंडर ही मुझे यूट्यूब के ऊपर काम करना पड़ता है ना, ये मतलब होता है, इसके लिए मैं वो नंबर नहीं बता सकता, लेकिन मैं डिटेल में थोड़ा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। सभी लोगों के मन में ये बात आता है, लेकिन कोई कोई पूछते नहीं है, लेकिन इन्होंने पूछा, थोड़ा अच्छे तरीके से पूछा है, तो मैं इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की, पूछा है लेकिन मैं नंबर नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हरासमेंट का बात होता है, कंपनी यानी सभी प्रकार के कंपनी का रूल्स होता है, वो रूल्स वो जो करते वो क्या चीज है, वो हम अच्छा के लिए हम लोग को बात करना है, बुरे के लिए बात नहीं करना है, अगर वो मुझे कोर्ट में खींच सकती है, कभी अगर मैं कंपनी का हरासमेंट करेगा, उनका अगर बदनामी करूंगा, तो वो मुझे कोर्ट में खींच सकते, ये बात है, तो ये अच्छा बात नहीं है। यूट्यूब के जो पॉलिसी होता है कम्युनिटी गाइडलाइन, उसके अंडर में भी मैं काम करता हूँ, जब मुझे पब्लिक करना पड़ता है तभी कम्युनिटी गाइडलाइन का मुझे बात आता है, उसमें मुझे टिक करना पड़ता है, तो मैं उसमें नन के ऊपर टिक करता हूँ, यानी कम्युनिटी गाइडलाइन अंडर में मैं काम करता हूँ, मैं किसी को हरासमेंट नहीं करता, ये सब है, क्योंकि मोनेटाइज चैनल है, ये सब है। तो आगे बढ़ते, उन्होंने पूछा है कौन से कंपनी का इंजन ऑयल 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो दोस्तों कहने की बात है, सभी कंपनी का इंजन ऑयल अच्छा होता है, लेकिन असली नकली, जो मैंने एक वीडियो बनाया असली नकली, वो भी आप देख सकते हैं, असली नकली बोले तो हम लोग को पहचानना चाहिए कि कौन सा इंजन ऑयल नकली है, कौन सा असली है। जैसे मैं डिटेल में थोड़ा बात करना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलेगा, जैसे मेरी बाइक है ना, कम सीसी की बाइक है, इसके लिए मैं ये इंजन ऑयल मैं ले लेता हूँ, ये वाला इंजन ऑयल है ना, कैस्ट्रॉल एक्टिव का इंजन ऑयल है, पहले से मैं ये वापरता, क्योंकि ये इंजन ऑयल जितने लोग डालते हैं उनका नंबर ज्यादा है, सबसे ज्यादा लोग ये इंजन ऑयल वापरते हैं, बाकी अलग अलग कंपनी का भी होता है, मैं यही कंपनी का इंजन ऑयल वापरता हूँ। इंजन ऑयल सभी कंपनी के अच्छे है, लेकिन असली नकली पहचानना है, असली नकली का मतलब कैसे, कभी कभी क्या होता है, बोतल तो हमें दिखाई देता है, लेकिन कोई कोई लोग क्या करते हैं, इसमें का जो ओरिजिनल इंजन ऑयल है वो निकाल लेते हैं और दूसरा डुप्लीकेट वाला डाल देते हैं, यही मतलब, कंपनी डुप्लीकेट नहीं बनाती, कोई भी कंपनी डुप्लीकेट नहीं करती, क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस करना है, उनको आगे जाना है, तो डुप्लीकेट इंजन ऑयल नहीं बनाती, ये मतलब है। अब डुप्लीकेट कौन सा होता है, जो नकली, जो बीच में कुछ तो गड़बड़ करने वाले रहते हैं वो लोग करते, जैसे हम लोग अभी खत्म हो गया तो हम लोग फेंक देंगे कचरे के डिब्बे में वगैरह, ये है ना, तो इसको जमा करने के बाद, इसका बुझ बुझ निकालने के बाद, इसमें सफा करने के ऊपर से सफा करने के बाद, या इसमें जो अच्छा बात है वो भी निकाल के दूसरा भी डाल सकते हैं, या जो खाली बोतल रहेगा इसमें भी जो कुछ तो गड़बड़ करके डाल सकते हैं, यानी आधा ओरिजिनल और आधा डुप्लीकेट कुछ बना लेना, ये सब से बना के इंजन ऑयल डाल के बेच सकते हैं, लेकिन ये कौन रहता है, ये आउटसाइडर लोग रहता है, बाहर वाले लोग रहता है, ये
अलग अलग प्रकार के लोग रहे, कंपनी नहीं करती क्योंकि कंपनी का नाम उन्हें खराब नहीं करना है। कंपनी कोई भी डुप्लीकेट ऑयल नहीं बनाते, अच्छा ही बनाते। उनको आगे जाना है, कॉम्पिटिशन का जमाना है। तो ये जो भेसल करने वाले लोग रहते हैं आउटसाइडर लोग होता है, जैसे हमारा खाली डिब्बा रहेगा तो कोई भी ले लेगा, उसमें आधा आधा करके ऐसा बेचने वाले भी बहुत जन रहते हैं। हम लोग को पहचानने आना चाहिए। जैसे मेरा वीडियो भी असली नकली इंजन ऑयल पहचानने का, वो भी आप देख सकते हैं, और कैसे ओरिजिनल कैसा है वो भी आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, आपको देख सकते हैं। हर कंपनी ने क्या किया है, अपना अपना ऐप बना के डाल दिया रहता है, आप उसको सर्च करके ऐप लेकर इंस्टॉल करके आप पहचान सकते हैं असली नकली। अभी बात आगे करते हैं, मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि इंजन ऑयल कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। सभी अच्छा है, पहले मैंने बात बताया, लेकिन इंजन ऑयल कौन सा लेना है, कौन सा लेना है, ये मेन बात है। मेन फैक्टर कौन सा है, इंजन ऑयल कौन सा लेना है, कोई भी कंपनी का ले लेकिन चलता है। अभी मेन बात, आप कौन से एरिया में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं या हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं या उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते या साउथ में रहते, वेस्टर्न में रहते या ईस्टर्न में रहते, महाराष्ट्र में रहते या गुजरात में रहते, ये हिसाब से बात रहता है ना। क्यों ऐसा होता है, फिजिकल बात क्यों होता है, क्योंकि सभी जगह पर क्लाइमेट एक जैसा नहीं होता है। कई कई जगह पर गर्मी ज्यादा होती है, कई कई जगह पर ठंडी ज्यादा होती है, तो उसके अनुसार हमें इंजन ऑयल को रखना पड़ेगा। जैसे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बॉटल के ऊपर जैसे मैंने यूज किया है 20W40 W का मतलब वेदर क्लाइमेट होता है, W का मतलब वेदर होता है, क्लाइमेट होता है। हमारा इंडिया का क्लाइमेट है कम ज्यादा होते रहते हैं, कभी कभी कम से कम, जैसे हम लोग हिमाचल प्रदेश हो गए, कश्मीर हो गए, तो उसमें निगेटिव में भी जा सकता है टेम्परेचर, है ना, जीरो के नीचे भी जा सकता है या ज्यादा करके 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड इतना भी होता है, लेकिन कोई कोई जगह पर 23-22 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ जाता है, उससे नीचे नहीं आता है, या कई कई जगह पर 42, 45, 46 इतना भी बढ़ सकता है, कई कई जगह पर 30 से ज्यादा नहीं जाता, ये भी मत है। यानी कहने का मतलब हमारा जो इंडिया है इसका 7th रैंक आता है, 7वां क्रमांक आता है उसका एरिया के हिसाब से, दुनिया में अगर जितने भी कंट्री है तो उसमें 7वां नंबर आता है इंडिया का, है ना, ये मतलब है। बाई चांस गलती हो सकती है लेकिन मैंने पढ़ा है, इसके लिए मैं बात कहना चाहता हूँ। तो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री होने की वजह से अलग अलग भाषाएं कही जाती है, अलग अलग लैंग्वेजेस होता है, अलग अलग पहराव होता है, अलग अलग बोली भाषा होती है, अलग अलग जो भी बिजनेस होता है अलग अलग, कहीं कहीं पे जैसे चेरा पूंजी वहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, कहीं कहीं पे बारिश होती नहीं है, कभी कभी कम होती है, ज्यादा होती है, यानी अलग अलग, यानी हम लोग डिफरेंशियल एरिया में रहते हैं। तो आप कौन से एरिया में रहते हैं इसके ऊपर डिपेंड होता है ना। यानी कहने का मतलब जैसे मैंने अभी बात बता दिया, मैं डालता हूँ कौन सा, तो 20W40, तो जो W इसका मतलब होता है वेदर हवामान, जो पहला नंबर है 20 ये कब बताता है, जो ठंडी के लिए बताता है, और जो 40 नंबर है W के बाद वाला, जो 40 नंबर है 40 वाला, ये कहा बताता है, ये गर्मी के लिए बताता है। यानी कोई भी एरिया का मिनिमम टेम्परेचर होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ना, न्यूनतम कितना तापमान है और जो अधिकतम कितना है इसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी मैं जो एरिया में रहता हूँ, उसका टेम्परेचर मिनिमम, भले से ठंडी हो, विंटर सीजन हो, चाहे कुछ भी हो, मैं जो एरिया में रहता है वो 15 के नीचे उतरता नहीं, यानी 20 के नीचे तो उतरता नहीं है, यही मतलब 20 के नीचे नहीं उतरता मेरे एरिया, 23 रहता है ज्यादा से ज्यादा, 15 नहीं रहता, 23 होता है, यानी 20 के नीचे उतरता नहीं, और ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर है वो 40 या 42 इतना ही होता है, 40 या 42 उससे ज्यादा बढ़कर नहीं होता है ये टेम्परेचर। इसके लिए मैं कौन सा प्रकार का इंजन ऑयल वापरता हूँ, मैं ज्यादा करके कैस्ट्रोल एक्टिव का इंजन ऑयल वापरता है, क्योंकि हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा इंजन ऑयल इसका इस्तेमाल करता है, हीरो कंपनी का है। मैं कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा लोग यही इंजन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी इंजन ऑयल कर सकते हैं, सभी कंपनी अच्छा इंजन ऑयल प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन मुझे अनुभव है मैं इसको ही मैं यूज करते रहता। अभी जो नंबर के ऊपर डिपेंड है, इसके लिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर को छोड़ दो, आप कौन से एरिया में रहते हैं उसके अनुसार, जैसे W बोले तो W लिखा है उसका मतलब वेदर होता है, वेदर होता है, W का मतलब वेदर होता है। W के पहले जो नंबर होता है आपके एरिया में
कम से कम कितना टेम्परेचर रहता है, नीचे जाता है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर 10 के आसपास जाता है तो आपको 10W वाला लेना पड़ेगा, लेकिन मेरे एरिया में 10W के हिसाब से टेम्परेचर नीचे जाता ही नहीं, 23 के नीचे जाता ही नहीं, 23 के नीचे जाता ही नहीं, इसके लिए मैं 20 नंबर वाला ले लिया। 10W के पहला मेरा 20 नंबर है, ये मतलब है। उसके बाद जो 40 नंबर वो गर्मी के हिसाब से लगाए, ज्यादा गर्मी होते 40 या 42 होता है, उससे ज्यादा गर्मी होती नहीं मैं जो एरिया में रहता हूँ, इसके लिए मैं ज्यादा करके 20W40 का इस्तेमाल करता हूँ। जो अगर और ठंडे एरिया में रहता है तो उन्होंने 10W वाला चाहिए, आगे का गर्मी का बात देखो कितना 10W40 या 10W50 उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन कब, जो हिमाचल प्रदेश वगैरह जो ठंडी के जगह पे रहता है, जहाँ पे ठंड ज्यादा होता है, वहां पर करना पड़ेगा, है ना। ये सब यानी कहने का मतलब कि आप कौन से एरिया में रहते वो हिसाब से आपको इंजन ऑयल कौन से डब्लू वाला है वो लेना पड़ेगा। अलग अलग होता है, जैसे मैंने बताया 20W40 का मैं इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 जैसे मैं 10W का नहीं कर सकते क्योंकि मेरे एरिया में ठंडी इतना कम नहीं होता है ना, नहीं होता है। और समझो 10W50 का भी मैं नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इतना टेम्परेचर नहीं होता है, यानी हमारा जो इंजन होता है वो मेंटेनेंस करते हैं, एडजस्ट करते हैं आपके इंजन ऑयल को कैसे फ्लो करना है। क्योंकि ज्यादा गर्मी होगी, अगर मैं गलत तरीके का नंबर का अगर इंजन ऑयल वापरूंगा तो इसमें क्या होएगा, मेरा जो इंजन ऑयल कभी कभी पतला बनेगा या कभी कभी गाढ़ा होएगा, जिससे इंजन में फ्लोइंग होता है उसमें गड़बड़ डिस्टर्बेंस हो जाता है। आप समझ में आया होएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं वापरता हूँ 20W40 का, क्यों, क्योंकि मेरा जो मिनिमम जो टेम्परेचर आता है ठंडी हो चाहे कुछ भी हो, विंटर सीजन 23 के आसपास ही होता है, उससे नीचे नहीं जाता है। और जो गर्मी होते 40 या 42 का होता है तो इसके लिए मैं 40 वाला वापर रहा हूँ अभी। यानी जैसे ही नंबर्स है उसके अनुसार भी हमें पहचानने आना चाहिए कि हमें कौन से नंबर का इंजन ऑयल डलवाना चाहिए, कोई भी कंपनी का वो चलेगा, लेकिन नंबर कैसे आपका, ये आप कौन से एरिया में रहते हैं उसमें मिनिमम ठंडापन कितना होता है, मैक्सिमम गर्मी कितनी होती है, उसके अनुसार ही आपको बाजू वाला इतना डाल रहा है इसके लिए हम लोग को भी ये डालना है, ये बात को छोड़ दो। मैंने कहने की बात की आपको समझ में आया रहेगा, इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात होती है। आपने पूछा, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।